बारूद के अंबार पे बैठी हुई दुनिया, बारूद के अंबार पे बैठी हुई दुनिया गुंचों के चटकने की दुआ मांग रही है। अल्लाह करे कि हमारी कोशिश कामयाब हो जाए। और जिस तरह का यहाँ आयोजन एडवोकेट आबिद हुसैन साहब ने किया है, ये बहुत मुजबित कदम है। और ऐसे कदम के लिए मैं समझता हूँ हमारे समाज के हर शहरी को आगे आना चाहिए। मैं उन्हें दावत कलाम के लिए अपने अल्फाज का नजराना आप लोगों के सामने पेश करने के लिए इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ कि कलियों को जिगर का लहू दे के चला हूँ, कलियों को जिगर का लहू दे के चला हूँ, सदियों मुझे गुलशन की फ़ज़ा याद रखेंगी। आबिद हुसैन साहब के आपके हवाले मैं चाहता हूँ कि उनके जो पुरजोर अल्फाज है वो आपकी समातों तक पहुँचे। और उन्होंने जो एक काम किया है पयाम इंसानियत के तहत, ऐसा काम हम भी बार बार करें। भारत देश की स्वतंत्रता की मैं नगर परिषद चांदूर बाजार के नगराध्यक्ष श्रीमान रविंद्र जी पवार साहब के माध्यम से आप सब लोगों को शुभकामनाएं, शुभेच्छा अर्पित करता हूं, प्रस्तुत करता हूं। मंच पर विराजमान कार्यक्रम के अध्यक्ष, इस तकरीब के प्रोग्राम अलहाज हाफिज़ नाजिमुद्दीन अंसारी साहब, सदर जमीयतुल उलमाए हिंद अमरावती, आदि जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल मुसव्विर खां साहब नदवी, हज़रत मौलाना शाकिर नदवी साहब मोहतमिम काशिफुल उलूम तलेगांव, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जाहिद साहब इमाम व ख़तीब बड़ी मस्जिद नमूना अमरावती, हज़रत मौलाना सैयद साबिर हुसैन साहब सदर जमीयतुल उलमाए हिंद शहर अमरावती, आदि जनाब अलहाज अब्दुलरहमान शेख इब्राहिम साहब नगर परिषद अचलपुर के साबिक सदर बल्दिया पूर्व नगर अध्यक्ष, हमारे दोस्त आली जनाब अलहाज रफीक सेठ साहब नगर परिषद चांदूर बाजार के उपाध्यक्ष, विजय भाऊ विलेकर जी, गोपाल भाऊ जी तीरमारे साबिक उपाध्यक्ष नगर परिषद चांदूर बाजार, आली जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब, हमारे सरपरस्त हजरत जानी शहदा साहब, हमारे दोस्त थानेदार पुलिस स्टेशन चांदूर बाजार भस्मे साहब, और शिक्षण मित्र गांव पर जिस संस्था का एहसान है, जिन्होंने मेरे जैसे विद्यार्थियों को बनाया, उसके सचिव हमारे दोस्त भास्कर राव जी टोम्पे साहब, बाबू भाई इनामदार पंचायत समिति चांदूर बाजार के पूर्व सभापति नाजिम बेग साहब, और रहमान भाई के हवाले से हमने तय किया था कि मुशायरे की महफिल में रौनक के महफिल जिनको खिताब दिया जाए, ऐसे हमारे साबिक नगर सेवक शेख नज़ीर अहमद कुरैशी साहब। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं एक गुजारिश करता हूँ कि जो कुर्सियों की आवाज़ें आ रही है अगर वो कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ज़र्ब मोमिन क्रिकेट क्लब के तमाम सदस्य यहाँ पर हैं, इन बच्चों ने, ये मासूम बच्चों ने ये महफिल को सजाया है। हमारे अचलपुर से आए हुए मेहमान जब्बार खां साहब, मुफ्ती साबिर साहब, सईद भाई, अमीर पहलवान साहब, मौलाना तौसीफ साहब, बशीर पटेल साहब, हमारे दोस्त पप्पू नसीम पेंटर साहब, शहर की बुज़ुर्ग शख्सियत इमाम टेलर साहब, इसी तरह नगर परिषद चांदूर बाजार में गट नेता सरदार खां साहब, हमारे दोस्त नगर सेवक सचिन भाऊ खुड़े, मौली सज्जाद साहब, मौली जाबाज साहब, हमारे दोस्त मोहम्मद जावेद शेख इब्राहिम साहब, और मैं ख़तरा महसूस कर रहा हूँ कि हमारे दोस्त रफीक सेठ साहब की मुझे आवाज़ ना आ जाए कि अब नाम में ही वक्त बर्बाद कर दूँगे क्या करते। जहाँ मैं आपको सबसे पहले एक बात पेश करता हूँ, रवि भाऊ, मैंने रहमान भाई से कहा था कि आप इस मुशायरे की सदारत कीजिए, मगर रहमान भाई ने कहा कि इस मुशायरे का सदर आबिद हुसैन साहब आपको रहना चाहिए। उन्होंने अनुमोदन किया, इसरार किया, और दावतनामे पर मुशायरे की सदारत मेरे नाम लिख दी गई। मगर मैं ऐलान करता हूँ कि जिस मंच पर हाजी रफीक सेठ साहब आ जाए, सदारत उनको करना चाहिए। मैं अपने हिस्से की सदारत, ऐलानिया तौर पर मुशायरे की सदारत
नगर परिषद अचलपुर के पूर्व नगर अध्यक्ष हाजी रफीक सेठ के सुपुर्द करता हूँ, और इस मुशायरे के वो सदर रहेंगे हजरत मौलाना अब्दुल मुसव्विर साहब। ने तफसील से बातचीत कर लिया, मेरे पास बातचीत के लिए कुछ बचा नहीं है। और अलहाज अब्दुलरहमान शेख इब्राहिम साहब इस मुशायरे के सरपरस्त है। तो नाजिम मुशायरा साहब, मैं जानता हूँ आपको ज़रूर दिक्कत महसूस हो रही होंगी कि मैंने क्या ऐलान कर दिया हूँ। मैं इस मुशायरे का रूह रवां हूँ, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा जब हाजी रफीक सेठ साहब इस प्रोग्राम में आए, और इतना अच्छा मंच चांदूर बाजार में पहली बार देख रहा हूँ कि जहाँ विजू भाव विलेकर है, रविंद्र जी पवार साहब है, हाजी रफीक सेठ साहब है, मौलाना अब्दुल मुसव्विर नदवी साहब बैठे हैं, जहाँ मौलाना शाकिर नदवी साहब तशरीफ रखते हैं। देश को आज ऐसे एकता की ज़रूरत है। सर सैयद अहमद खान ने कहा था रवि भाऊ कि हिंदू और मुस्लिम इस देश की दो आंखें हैं, हिंदू और मुस्लिम इस देश की दो आंखें, और हम चाहते हैं कि ये दोनों आंखें सलामत रहे। उसके लिए हमने ऐसा प्रोग्राम मुनक्कित किया है, और इसको पयाम इंसानियत मानवता का संदेश का नाम दिया है। अगर हम चाहते हैं, भास्कर राव जी टोंपे साहब, मेरे दादा मेरे परदादा ने यह निर्णय लिया था कि हम इस देश में रहेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, यह देश हमारा है। इस देश में रहने के लिए हमको किसी ने कहा नहीं कि आप रहिए। हमारे जो आबा व अजदाद थे उन्होंने निर्णय लिया कि कुछ भी हो हिंदुस्तान से हमको मोहब्बत है, हम इस देश में रहेंगे, यही मरेंगे यही गढ़ेंगे। तो रविंद्र जी पवार साहब जो हमारे पूर्वजन, कुछ लोग जो जाना चाहते थे वो चले गए, मगर जो रुकना चाहते थे, जिनको इस देश से प्रेम था मोहब्बत थी, वो इस देश में रुके रहे, और हम उनकी नस्ल है। तो हम चाहते हैं कि रविंद्र जी पवार साहब और हाजी अब्दुल रहमान साहब इस देश की दो आंखें हैं, ये साथ में रहना चाहिए, इसमें देश का भविष्य है, देश की। देश के लिए जब स्वतंत्रता की, अंग्रेजों का जब इस देश पे तसल्लुत हो गया, अंग्रेज इस देश में आ गया और यहां का हुक्मरान बन के बैठा, यहां रविंद्र जी पवार साहब, भास्कर राव जी टोंपे साहब, आबिद हुसैन, इनके जो पूर्वजन थे उनको गुलाम बना लिया गया। तो हमारे पूर्वजनों ने यह कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है, ये दलित है, ये जाट है, ये मुसलमान है, नहीं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह आए, लोकमान्य जी तिलक आए, सुभाष चंद्र बोस और हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, ये एक एक जगह बैठे हैं, एक मंच पर बैठे हैं देश को आजाद कराने की। और हिंदू मुस्लिम एकता की ताकत देखिए आप कि सन 1947 में वो एकता ने इस देश को आजाद करा लिया था। देश की आजादी इस बात का सबूत है कि ये दोनों कौमों के अंदर अल्लाह ताला ने ताकत, इनके इत्तेहाद में बरकत रखी है, ताकत रखी है। यदि ये दोनों कौमें इस देश के अंदर मिलजुल कर रही, तो मैं 15 अगस्त के इस मौके पर, भारतीय स्वतंत्रता दिन के इस शुभ अवसर पर, आदरणीय भास्कर राव जी टोंपे के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे तरफ देखने वाली आंख ही नहीं रहेंगी दुनिया में कोई। ऐसा मंच पूरा देश बनना चाहिए जहां पर हाफिज नाजिमुद्दीन अंसारी भी हो, विजू भाऊ विलेकर भी हो, रविंद्र जी पवार साहब भी हो, हाजी रफीक सेठ भी वहां बैठे। आखिर को हम एक दूसरे के संबंध में अपने मनों के अंदर मैल रख के क्या करना चाहते हैं? ना खुद का कुछ करेंगे हम भला, ना देश का भला हो सकता है इसमें। इसलिए सबसे पहले हम संकल्प लें, हम अहद करें कि हमारे दिलों को हम साफ करें। ये जो नई नस्ल है, ये हमारे देश का भविष्य है, इनको हम अच्छा वातावरण दें, अच्छा माहौल दें। जब देश की आजादी की जंग लड़ी गई, तो अभी मौलाना शाकिर नदवी साहब, रवि भाऊ हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनसे बहुत बार मजाक करते रहता हूं। हमारे मुजफ्फर हुसैन साहब यहां मौजूद हैं, मुजफ्फर हुसैन साहब की हमारी दो रोज पहले इस पर चर्चा भी हुई,
खोलापुर और सतारा में बाढ़ आ गई, जहां पर मदरसे और मस्जिद खोल दी गई कि आओ सब यहां पनाह लो, और सबके लिए खाने दाने का इंतजाम किया गया। कुछ जगहों मंदिरों पर मुसलमान बैठे अंदर जाकर, और कुछ मस्जिदों के अंदर हिंदू और दलित बैठे। कितनी अच्छी एकता की मिसाल है। जब नैसर्गिक आपत्ति आती है, तूफान आता है, वो ये नहीं देखता कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है। जिस घर को बांधने के लिए बरसों लग जाते हैं, पीढ़ियां गुजर जाती है, वो दंगे फसाद के एक लम्हे के अंदर जला दिया जाता है, और उसकी पूरी संपत्ति और प्रॉपर्टी को एक लम्हे के अंदर बर्बाद कर दिया जाता है। आखिर खून हिंदू का हो या मुसलमान का हो या दलित का हो, खून का रंग तो लाल है। अल्लाह ताला ने इसमें तफरीक नहीं किया कि हिंदू का खून सफेद बनाया जाए, मुसलमान का लाल बनाया जाए। हम इस मंच से यह दावत देना चाहते हैं कि हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने पयाम इंसानियत मानवता के संदेश की जो बुनियाद रखी थी, जिसका तस्करा हजरत मौलाना मुसव्विर नदवी साहब ने किया है, अब्दुल मुसव्विर नदवी साहब ने, तो हम चाहते हैं कि मानवता का संदेश आम हो, घर घर यह संदेश पहुंचे। और सबसे पहली जिम्मेदारी इंसान की इस मुल्क में यह है कि हम इंसान बन जाए। जब कोई रोड पर एक्सीडेंट होता है तो हम यह नहीं देखते कि यह मुसलमान है। मैंने देखा हूं कि कोई तंजीम और ऑर्गेनाइजेशन के लोग हो, वह एक्सीडेंट की पड़ी हुई लाश को और एक्सीडेंट से मुतासिर मरीज को फौरन उठाते हैं, उसका मजहब नहीं देखते हैं। तो थोड़ी सी देर के लिए जो मानवता के प्रति सम्मान हमारे मन में जाग जाता है, वो हमेशा क्यों नहीं रहता हमारे? मैं चाहता हूं कि हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, लोकमान्य जी तिलक ने जो संदेश उस समय दिया था, वो आज हर घर में पहुंच जाए, मुल्क की फिजा अच्छी हो जाए, ताकि हम इन बच्चों की तालीम और तरबियत पर ध्यान दे सके, देश के लिए एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग इनमें हम तलाश कर सके। जिस वक्त में भारत देश की जंगी आजादी की जंग लड़ी गई, तो 1857 का जो गदर हुआ था भास्कर राव जी टोंपे साहब, ये मैं भारत देश का इतिहास और ऑथेंटिकेटेड हिस्ट्री, भाई कुर्सियों का आवाज कम हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, मुस्तनद तारीख बोल रहा हूं, मुस्तनद इतिहास है इस देश का। 1857 की गदर में कई उलमाए कराम, कई तलबा दिल्ली के लाल चौक से लेकर, चांदनी चौक से लेकर पेशावर तक के मौलवियों की गर्दनें दरख्त पर लटकी हुई थी। अंग्रेज ने यह नहीं देखा कि यह मुसलमान है या ये हिंदू है। जो कुर्बानियां हमारे पूर्वजनों ने, हमारे बुजुर्गों ने, उलमाए कराम ने इस देश के लिए दी, हम में से हर एक का यह जज्बा होना चाहिए कि जब भी ऐसी कुर्बानियां देने की नौबत पेश आएंगी तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। कितना अच्छा माहौल था, लाला लाजपत राय बैठते थे, गांधी जी बैठते थे, विजय मोहन मालविया जी बैठते थे, वहां मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह बैठते थे, प्लानिंग होती थी देश की जंग कैसी लड़ी जाए, आजादी कैसी की जाए। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी दारुल उलूम देवबंद से आते थे, रेशमी रुमाल की तहरीक देश को आजाद कराने के लिए महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू की थी, और गांधी जी लाला लाजपत राय शाना बशाना चलते थे। तो इतना अच्छा माहौल, इतनी अच्छी तारीख, इतना अच्छा इतिहास इस देश का है, उसको कायम रखते और बाकी रखने की जिम्मेदारी हाजी रफीक सेठ और रविंद्र जी पवार साहब की है, उसको बाकी रखने की जिम्मेदारी मुजफ्फर हुसैन साहब और विजय भाई विलेकर की है। यह इस देश की दो आंखें हैं जो सर सैयद अहमद खान ने कही थी, और यह बात सच है। हम चाहते हैं कि यह आंखों की हिफाजत हो। बहरहाल हजरत मौलाना अब्दुल मुसव्विर नदवी साहब ने यहां तफसील से बातचीत कर ली है, मैं चाहता हूं कि अपनी बात को यहां रोकूं। देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगियां लगा दी, खपा दी, और अपने आप को देश की आजादी के लिए मिटा दिया, पूरी जिंदगी दे दी, मैं आज गुजारिश करता हूं आपसे कि चंद ही लम्हात बाद, कुछ मिनटों बाद हम मुशायरे की इब्तिदा कर देंगे, मगर आप ये अज्म लेकर बैठिए
कि आपको इस देश के लिए आज 5-10 मिनट और ज्यादा देना है। आप बैठिए इत्मीनान से, आज हमारा देश आजाद हुआ था, आज खुशी का दिन है, आप इस खुशी को सेलिब्रेट कीजिए। दूसरी बात, यहां अभी दो लोगों को और सुनना चाहिए, हमारे थानेदार साहब बैठे हैं, हाजी रफीक सेठ साहब बैठे हैं, ये दो दो मिनट तो आपको जरूर कहेंगे। हाफिज नाजिमुद्दीन अंसारी साहब आपको एक बहुत अच्छी नजम सुनाएंगे, रविंद्र जी पवार साहब, देश की आजादी पर, आपको वो नजम सुनना है। मैं चाहता हूं कि यहां हमारे जो जिम्मेदार हजरात बैठे हैं, हमारे लीडरान बैठे हैं, अगर ये थोड़ा तफसील में भी चले जाए, कुछ ज्यादा बात कर ले तो आप सुनिए, क्योंकि आज का दिन आम दिन नहीं है, सामान्य दिन नहीं है। आज इस देश को आजादी मिली थी अंग्रेजों की गुलामी से, इसलिए हम थोड़ा सा आज बर्दाश्त रखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए यहां की एक अच्छी फिजा कायम हो सके। बहरहाल इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए नन्हे मुन्ने बच्चों ने, ज़रबे मोमिन क्रिकेट क्लब ने, और ख़ास करके इस साउंड सिस्टम और डेकोरेशन के संचालक काजी तनवीर अली साहब ने बहुत मदद की है। मैं इस मंच से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और काजी तनवीर अली साहब, आपने जो ताउन किया है, आपने जो इतनी अच्छी महफिल सजाने में मदद की है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज देश का स्वतंत्रता दिन है, आज मुजफ्फर हुसैन साहब ने भी कुछ कहना चाहिए, हमने हमारे लीडरों को सुनना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कुछ भी हो, कुछ भी हो, कैसे ही हालात आए, हम इस देश में, इस मुल्क में अच्छा माहौल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान पूरे आजादी के साथ इस देश में जिए और इस देश को विकसित देश बनाए। हम चाहते हैं कि सुपर पावर बने। अगर हम चाहते हैं दुनिया के अंदर सुपर पावर बनना, तो ये बात हम पर फर्ज हो जाती है कि हम एक अच्छा वातावरण निर्माण करें, अच्छा माहौल बनाए। और ये कैसा माहौल हो रहा है देश का कि ईद पर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, दिवाली पर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, ये कहीं ना कहीं मुझे संदेश देता है कि मैंने अपने आप को इस देश में बिगाड़ लिया है, मैंने, मुझे सुधरने की जरूरत है, मुझे औरों के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना को निर्माण करने की जरूरत है, मुझे हिंदू और मुस्लिम की एकता के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज हम यह संकल्प लें, यह अहद करें कि हम इस देश में पूरे वकार के साथ, मेरी बात को सुनिए आप, पूरे वकार के साथ, पूरे मजहबी तशख्खुस के साथ जिएंगे। ये देश हमारा है, इस देश को हमारे पूर्वजनों ने, बुजुर्गों ने आजाद कराया है, और यहां पर सर सैयद अहमद खान ने जो कहा था कि हिंदू मुस्लिम इस देश की दो आंखें हैं, वो थ्योरी के हिसाब से हम हिंदू और मुसलमान दोनों भी संकल्प करें कि आज हम इस देश की दोनों आंखें बनकर रहेंगे। इतना कहकर मैं अपनी मुख्तसर तकरीर को खत्म करता हूं, और उससे पहले, जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बाबू भाई नामदार नाजिम बेग साहब और हमारे जितना डाइस है, ये मेहमानान है, मुफ्ती साबिर साहब वगैरह है, इतने सारे लोग हैं कि मैं तो चाहता हूं कि मैं सबके नाम लूं। आपने वाकई में अपना वक्त और समय निकालकर यहां आए, और आप मेरे लिए कम, देश के लिए ज्यादा आए, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और जिन लोगों के नाम मैं नहीं ले सका हूं, लेकिन मैं खुश हो गया हूं, हमारा ये डाइस, ये मंच पूरी तरह से खुश है कि आप देश के स्वतंत्रता दिन के ऊपर आयोजित इस कार्यक्रम को सुनने के लिए यहां पर आए हैं। तो जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले सका हूं, हमारे अंजनगांव से नगर सेवक फहीम भाई आए, अचलपुर से बिस्मिल्ला भाई आए, हमारे शोराए कराम है, नगर परिषद उर्दू प्राइमरी स्कूल और नगर परिषद उर्दू हाई स्कूल के तमाम असातिज़ाए कराम यहाँ है, गांव के बहुत सारे जिम्मेदारान हैं, हमारे पत्रकार कासिम मिर्ज़ा और माजिद इकबाल साहब यहाँ पर है, यहाँ हमारे उलमाए कराम बैठे हैं जिनका मैं इस्तकबाल करता हूँ, हाजी अब्दुल हफीज़ साहब, तस्लीम बेग साहब, हमारे बहुत सारे दोस्त बिरादर यहाँ मौजूद हैं। और मैं दोबारा माफ़ी चाहता हूँ कि हो सकता है मैं बहुत सारे लोगों के नाम लेना भूल गया हूँ,
इसलिए देश के स्वतंत्रता दिन के शुभ अवसर पर आप मुझे खुले दिल से माफ कर देना। हमारे दो लोगों को आप जरूर सुनिए। एक हमारे थानेदार साहब है जो दो मिनट आपसे कहेंगे, आप उनको सुनिए, क्योंकि इन्हें देश की एकता के प्रति बहुत अनुभव होता है, इसलिए इनके दो शब्द हमने सुनना चाहिए। हाजी रफीक सेठ साहब है, मुजफ्फर हुसैन साहब है, दो दो मिनट आप इनको जरूर सुनिए, इनके पास में अनुभव है। और आप संकल्प कीजिए कि हम इस देश में पूरे आजादी के साथ जिएंगे, जैसा हमारे बुजुर्गों ने हमको सबक दिया है, और इस देश के अंदर अच्छा माहौल पैदा करने के लिए हर शहरी हर नागरिक जवाबदार है, और वो जिम्मेदारी को हम बहुसने खूबी निभाएंगे। इतना कहकर मैं अपने दो अल्फाज खत्म करता हूं।